बिग बॉस OTT 2 दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। कंटेस्टेंट की हरकतें लोगों को मनोरंजन कर रही हैं। साथ ही इस बीच सलमान खान ने एल्विश यादव की जमकर क्लास भी लगाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जहां एल्विश यादव की क्लास लग गई। खैर मैं आपको बता दूं, हल्का सा ब्रीफ दे दूं पहले कि जब से इस सीजन में घर के अंदर एल्विश यादव की एंट्री हुई है तब से लोग उनको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और शो की TRP भी बढ़ गई है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि शो को अब और भी ज्यादा एक्सटेंड तक कर दिया गया है। ऐसे में इन चार लोगों का ग्रुप जिसके अंदर आते हैं आशिका भाटिया, एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान और साथ ही मनीषा रानी, इसको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में इस शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ जहां पर सलमान खान ने इस बार वीकेंड के वार पर एल्विश यादव की क्लास लगाई और एल्विश यादव की क्लास इस तरह लगाई कि एल्विश यादव रोने लगे। ताज्जुब की बात लगती है। तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सातवें वीकेंड के वार में सलमान खान ने बेबिका और मनीषा रानी के बीच हुई बहस के लिए बेबिका को फटकार लगाई, जिसके बाद उन्होंने एल्विश और ध्रुवे की खबर ली, जिसके बाद एल्विश के फैन सलमान खान को बुरी तरह ट्रोल भी करने लग गए। दरअसल सलमान खान ने एल्विश की अभद्र भाषा और शो में हिंसक और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर गुस्सा जाहिर किया है। सलमान खान ने एल्विश से पूछा कि वो अपने फैंस की फौज पर इतना घमंड क्यों करते हैं, क्या वो उन्हें फॉलो करने के लिए पैसे देते हैं, जिसके बाद एल्विश ने जवाब दिया कि उनके फैंस उन्हें कुछ पैसे नहीं देते, जिसके बाद सलमान खान ने कहा अगर वो अपनी कीमत 500 रुपए भी रखेंगे तब देखते हैं कि आपके कितने फैंस होंगे। इसके बाद सलमान ने कहा असली सेना भारतीय सेना है जो देश के लोगों की रक्षा करती है। सलमान ने कहा कि वो अपनी मातृभाषा हरियाणवी को बदनाम ना करें, जिसके बाद सलमान खान एल्विश को उनकी माँ से वीडियो कॉल से बात कराते हैं। इस दौरान एल्विश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सलमान एल्विश की माँ का अभिवादन करते हैं और उन्हें अपने बेटे से बात करने के लिए कहते हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर एल्विश रोने लगते हैं। सलमान एल्विश से बात करने के लिए कहते हैं और मनीषा उन्हें सांत्वना देने के लिए उठती हैं, लेकिन सलमान चिढ़ जाते हैं और कहते हैं मनीषा तुम कृपया परेशान मत हो और अपनी सीट पर वापस जाओ। एल्विश मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ ने वो क्लिप नहीं देखी है जिसमें तुमने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। हमने क्लिप से उस भाग को काट दिया था और एक सेंसर संस्करण दिखाया था। कॉल पर एल्विश अपनी माँ से बात करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। सलमान सवाल करते हैं कि क्या वो स्टिक और अन्य चीजों का उपयोग करना चाहेंगे, लेकिन एल्विश इससे इनकार करते हैं और बेबिका और अन्य लोगों से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। तो ये था पूरा मामला जिसके कारण एल्विश यादव शो के अंदर इस वीकेंड के बाद रोए थे। आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद।